आकाश मिसाइल भारत की शान है जिस पर पाकिस्तान की काली नजर थी। इसी के ताक में था पाकिस्तान और उसके हाथ लग गया डीआरडीओ का अफसर, जिसकी शर्मनाक हरकत की वजह से भारत की सुरक्षा को ताक पर रख दिया कि 60 साल की उम्र में साहिब हनी ट्रैप में फंस गए। हुस्न की जाल में इतने शुमार हो गए कि आशंका है कि देश की सारी खुफिया जानकारी दे डाली। अफसर आकाश मिसाइल की पूरी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उसके पास आकाश मिसाइल की सारी जानकारी थी और अब हनी ट्रैप में फंसे अफसर का नाम आपको बता देते हैं। ये महानुभाव डीआरडीओ के संचालक प्रदीप कुरूलकर हैं, जो महज 6 महीने में रिटायर होने वाले थे। आरोपी अधिकारी ने कई आकाश मिसाइल सहित डीआरडीओ के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। उनको पता है कि भारत की आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट करने में सक्षम है, जो भारतीय थल सेना वायु सेना के पास है। लेकिन अब संदेह है कि इस अफसर के इस करतूत के चलते पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को सारी जानकारी अपनी हवस के चलते इसने बता दी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को आकाश मिसाइल की जरूरत थी। भारत की इस मिसाइल की खूबी तो हमने आपको बता दी और आखिर सोचने वाली बात यह है कि डीआरडीओ के उसी अफसर को पाकिस्तानी खुफिया इंटेलिजेंस ने क्यों निशाना बनाया। इस सबसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करने के लिए आकाश मिसाइल की जानकारी चाहिए थी और यही वजह है कि पाकिस्तान ने डीआरडीओ के ऐसे साहब को पकड़ा जो हनी ट्रैप में आसानी से फंस सकते थे। अब महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने संदीप कुरूलकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है यह मुख्य रूप से हनी ट्रैप का मामला प्रतीत होता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फंसाया गया। इसके बाद पाकिस्तान स्थित खुफिया अधिकारियों के संपर्क में आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वैज्ञानिक पिछले साल सितंबर अक्टूबर में वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव के संपर्क में था। संदेह है कि उसने ऑपरेटिव के साथ कुछ संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ATS को ये भी शक है कि ऑफिसर पाकिस्तानी स्थित खुफिया एजेंसियों के साथ कथित रूप से संपर्क में था। बता दें इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ATS को एक सीनियर अधिकारी ने बताया डीआरडीओ से इस संबंध में मिली एक शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। बता दें कि आरोपी पाकिस्तान के खुफिया विभाग में संबंधित किसी महिला के संपर्क में भी थे। डीआरडीओ की विजिलेंस और इंटेलिजेंस टीम कई महीनों से आरोपी पर नजर रखी हुई थी। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर की शिकायत के बाद ATS ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को 9 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि एक डीआरडीओ का अफसर जिसके पास तमाम जानकारी थी आकाश मिसाइल के बारे में और उसकी इस तरह की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने हनी ट्रैप में फंसाकर अफसर से तमाम जानकारी निकलवा ली होगी और ये आशंका जताई जा रही है। अब खैर इस पूरी मामले पर अब जांच हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।